गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब मैं बिल्कुल फिट फॉर हूँ, एकदम मेरी तबीयत बढ़िया है और आरू की तबीयत ख़राब हो गई, बेचारी को कोल्ड हो गया है, खांसी हो गई है। आजकल ये मौसम है ही ऐसा, क्या कर सकते हैं। और आज बहुत ही खास मेहमान से मिलवाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैं हो गई हूँ एकदम रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी सुबह सुबह मार्केट, कुछ काम है, घर का सामान लाना है थोड़ा बहुत, तो संडे को टाइम मिल जाता है, तो फिर मेरे कहा चलते हैं। फिर मैं नाश्ता नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ खा कर निकलती हूँ ना, जाते साथ भूख लग जाएगी, सुबह सुबह क्या खाना मार्केट में भी। मैं आके मिलती हूँ, मैंने आप लोगों को बोला है कि आज मैं आपको किसी स्पेशल से मिलवाने वाली हूँ, तो आके मिलाऊँ, मतलब आके मैं मिलवाऊँगी, आप लोग तब तक वेट करना। ओके, रेडी हो मेरे को ले जाने के लिए? एकदम डन, चलो फिर चले। निकल पड़े हैं हम सफ़र पे, सामान लाने का सफ़र है। आरू को नहीं ले गई मैं आज, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, फालतू में मुझे भी परेशान करती हो, सामान भी नहीं लेने देती, इसलिए बस तुम नहीं लाई, मैं उसे बोल के भी नहीं लाई। हमारी स्कूटी को भूख लगी, उसे हम पिला रहे हैं पेट्रोल और हम पियेंगे जूस। ये देखो कैसे हॉर्स राइडिंग होती है, इतनी ट्रैफिक में हमसे यहाँ गाड़ी नहीं चलाई जाती, इतनी मोटी लड़की को इतनी पतली पतली गलियों से ले जा रहे हो, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं। तो मैं दुकान में पहुंच चुकी हूं और अंदर गुजरती हूं, काफ़ी पहले से मैं यहां से सामान लेती हूं, तो अंकल जी से अच्छी जान पहचान है, तो मैं सीधे दुकान के अंदर जाके वहीं पे बैठ जाती हूं और वहीं पे अपने सामान की लिस्ट बनाती हूं और सारा सामान ले लेती हूं। उसके बाद मेरे हस्बैंड तो बाहर पे ही खड़े हैं, मैं सारा सामान ले रही हूँ और मैंने लिस्ट बनवा ली है। ले लिया मैंने सामान और मैं निकल गई हूँ, काफ़ी सारा सामान लिया तो वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाई। अब होता है ना, हर जगह पे कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन होती है कि आप नहीं सूट कर सकते, चलो कोई नहीं, बस मैंने ले लिया है लगभग सामान, एक आधा सामान कुछ और दिख जाए तो वो ले लूँगी, बाकी तो सीधे घर पर मिलती हूँ फिर। अब पहुँच गए हम घर, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, भारी रखोगे क्या? मैं रखा है बाहर, बाइक खड़ी है परी। फाइनली परी ने दरवाजा खोल दिया है और हमने अंदर एंट्री मार ली है। ये देखा कितना सारा सामान लाई मैं, ओ मेरा आरू मेरा वेट कर रहा था, अरे मैं भी कर रहा था साथ में। मम्मा तो चुना मुझे चुना। मेरी आरू की देखो आवाज कैसी हो गई है, आरू बोलना जरा। कोल्ड हो गया मेरे बाद इसे और उसके बाद मुझे। चेरी नाराज़ होगी, मैं चेरी के लिए कुछ नहीं लाई, बाकी परी के लिए तो टी शर्ट आई है और आरू के लिए स्कर्ट आई है, बेचारी चेरी रह गई। कभी कोई रह जाता है, कभी कोई रह जाता है, क्या कर सकते हैं, इतने बच्चे हैं तो कभी कभी ना कभी तो कोई रह ही जाता है। चेरी डोंट माइंड, क्या पता अगली बार तेरे लिए डबल आ जाए। आरू को देखना एक स्कर्ट के ऊपर दूसरा पहन रही है। मुझे अभी कुछ घर का परी ने तो तुरंत अपना टी शर्ट और निक्कर पहन लिया, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कंफर्टेबल भी बहुत है कॉटन का। तो मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं किसी स्पेशल से मिलवाने वाली हूँ, बट अभी उससे नहीं मिलवा सकती, वो बहुत बिजी है, इतना टाइम नहीं है उसके पास कि वो कभी भी किसी से एकदम मिल ले, थोड़ा और पेशेंस रखना होगा उससे मिलने के लिए। और मैं अभी ऊपर आई तो दीदी बात कर रही है वीडियो कॉल पर, छोटी वाली सिस्टर का कॉल आ रखा है। मुझे सबसे पहले बनाना है खाना क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है, मैंने वहाँ कुछ नहीं खाया, हाथ पे इतना सामान था तो मैं खाती भी कैसे, तो सबसे पहले बना लूँगी खाना, आधा काम निपटा के गई थी अपना, अब आके फटाफट खाना बनाती हूँ फिर मिलवाऊँगी।
है मुझसे पहले कोई रसोई में घुस गया और खाने की तैयारी में लग चुका है। क्या बात है, आपको बहुत तेज भूख लगी है। इधर देखना जरा, ध्यान से देखो। गाना सुनते सुनते हो रहा है काम, जल्दी भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, मजा भी आएगा, है ना परी? और मैं दिन में आटा क्यों गूंद रही हूँ, क्या बनाने वाली हूँ? उसका पूरी। कोई कसम था? सब पता रहता है बच्चे को। मैं आटे की गोलियां बना रही, क्या बोलते हैं पेड़ियां, पर मैं तो गोले बोलती हूँ, गोले तो बम के भी होता है। छोले भिगा के गई थी मैं, छोले बन रहे हैं, छोले के साथ पूरी और चावल। पता नहीं क्या होता, गढ़वाली गाना सुनते ही मेरा डांस निकल जाता है बाहर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब गाना सुनते ही डांस करने का मन होता है, तो उनमें से एक मैं भी। मेरा बच्चा भी है देखो, कहीं भी गाना बच्चा है, कैसी भी कंडीशन हो वो डांस करेगी, उसको शौक है। इस आदत में तो बिल्कुल मेरे पे गई है। तुम्हारा मन नहीं होता डांस करने का? इधर देख के बोलो, नजरों से नजरें मिला के। तो आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म और मैं अब आपको मिलवाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने इतनी देर से आप लोगों को वेट कराया। तो एक मिनट, लो बहुत दिल थाम के बैठ जाओ। ये है वो मेरा क्यूटी सा मेहमान चीवी। चीवी अपनी दीदी की गोदी में है वो। हाय चीवी। अपनी तो गेस करो कौन है? नहीं, आप लोग गेस नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे घर फर्स्ट टाइम आया है। वो है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी का बेबी और अभी बहुत छोटा, अभी 2 मंथ का भी नहीं हुआ है, तो हमारे पास आया है अभी। आजकल हम इसी के साथ हैं बस। मेरी आरू की कैसी आवाज़ होती है। मेरा काय छकाय काय। पूरी तो बनाने तैयार है, हम तो पूरी बना रहे हैं, पूरी छोले पूरी। और हमारे कमरे में पूरा धुआं धुआं हो गया है क्योंकि जहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट फैन है वहाँ चिड़िया ने घोंसला बना रखा, तो इसलिए फैन भी नहीं चला सकते। बेचारी चिड़िया को लगेगा तूफान आ गया। तो मेरा खाना रेडी हो गया, मेरी पूरी, छोले, सैलेड और दही, और ये हमारे खाने वाले चारू के पापा। फाइनली खाना बन गया है और बापरे बड़ी गर्मी लग रही खाना बनाने में, तो जैसे पूरी तल के और गर्मी लगती है। धीमे धीमे गाने और खाने का मजा लेते हैं बस अब। ये मेरा खाना किधर लजीज लग रहा है ना, इसमें एक चीज़ की कमी है। लो हो गई कमी पूरी, कंप्लीट है खाना, तो स्टार्ट करते हैं। मजा आ गया, मजा, तेज भूख लगी और सब कुछ मिल जाए, मतलब 2-3 वैरायटी, तो क्या कहना है, सोने पे सुहागा ही हो जाता है। और छोले बहुत अच्छे बनाए हैं रमेश ने। चलो पहले खाना खा लेते, फिर आपसे मिलेंगे। मैं आ गई खाना खाने में फर्स्ट, मैंने सबसे पहले खा लिया, खाया है जो मैंने, ओ माय गॉड, पेट फूटने तक। मैं अपनी डाइट से ना बहुत एक्स्ट्रा खा लिया, सच बता रही मैं, झूठ बोलने में तो वैसे भी बिलीव नहीं करती, बहुत खा लिया है मैंने।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेट भर जाता है पर नियत नहीं, बस वैसा ही हो रहा था खाना, एकदम मस्त मन हो रहा था खाते जाओ और खाते ही चले जाओ, तो बट स्टॉप तो करना ही था ना, तो बस जब यहाँ तक हो गई ना टंकी तो हमने कहा कूल जैम कल भी खाना है, मज़ा आ गया खा के, मजाक कर रही थी, अच्छे से खाया क्योंकि बहुत भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, बाहर जाके भी खाने का टाइम नहीं मिला, ऐसा लगा बस फटाफट सामान लो और घर चलो क्योंकि आरू की तबीयत भी ऐसी हो रही है, इससे पहले मेरी हो रही थी, तो बस छत पे इतनी तेज़ हवा चल रही है ना एकदम बहुत मस्त सी, एक चक्कर मैंने कहा छत पे मार के देखते हैं कैसा हो रहा मौसम, ऐसा लग रहा बारिश आने वाली है, हवा चल रही है खूब अच्छे से, देखो आरू क्या कर रही है, अपने पापा के साथ फोटो खींच रही है, तो खींच मेरी फोटो, तो ये फुसफुस क्या कर रखा तूने, वो स्प्रे ले रखा और उसे, अरे सब पानी तो है नहीं, ये देखो पानी तो है नहीं, अभी टंकी छींटे तो आ रहे हैं ना, चलो भाई तुम उड़ना जाओ ना बहुत पतले हो ना इसलिए मैं कह रही जल्दी जल्दी नीचे चल लेते हैं ना, ये था हम तो भाई मोटे ताजे हैं लेकिन बच्चा कमजोर है, देखो आवाज़ ए भगवान, जैसे हम नीचे आए बारिश स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही लेकिन स्टार्ट हो गई है बारिश, मैं आरू को दवाई पिला देती हूँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी उसको फीवर सा चढ़ रहा है, दवाई पीनी नहीं, बच्चे का बुरा हाल हो गया, चलो ठीक है तो फिर मैं आरू को सुलाती हूँ और आप लोगों से मिलेंगे बाद में, ओके।